तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं फुल HD फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट करते हैं या कॉल भी करते हैं कि भाई फेस स्मूथ कैसे करें, फुल HD एकदम RDX भाई जैसा। तो देख सकते हैं दोस्तों, एकदम RDX भाई जैसा फेस स्मूथ करना सिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं, लेके आ चुके हैं दोस्तों इस फोटो का फुल ट्यूटोरियल। तो बस वीडियो में बने रहे दोस्तों। और इसमें एक प्रीसेट यूज किया हूँ दोस्तों, तो उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा ओरिजिनल फ़ोटो। और थिम्बल तो आप देख ही लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देर किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में दोस्तों। यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे प्रीसेट यूज करना है दोस्तों। तो यहाँ से शेयर हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन में। इसके बाद ऑल फोटो पर क्लिक करना है दोस्तों। देख सकते हैं गाइस, ये रहा फोटो। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा जो प्रीसेट डाल लूँगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। यहाँ पे जाके दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी का सेटिंग रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसको ओपन करना है। इसको पे और चेक मार्क कर लेना दोस्तों, यहाँ यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और जाना, जहाँ पे जो जिस फोटो पे यूज करना है दोस्तों, वहाँ पे जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। बस ये फिर फेस सेटिंग का जो ऑप्शन रहेगा वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, एक एक क्लिक में इतना अलग ही हो चुका है दोस्तों, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं दोस्तों अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन में, क्योंकि वहाँ पे कि जितना भी थोड़ा सा ब्लैक या कुछ रहेगा दोस्तों, तो वहाँ से थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि वीडियो कट करते हैं भाई साहब, तो देख सकते हैं दोस्तों हम लाइव एकदम एडिटिंग हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हैं स्नैपचैट में चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ आने के दोस्तों, यहाँ पे जाना है टूल्स में, जाना देखते हैं टूल्स। यहाँ पे और जो सिलेक्टिव है वहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, और जहाँ जहाँ ब्लैक रहेगा दोस्तों वहाँ पे यूज करना है सिर्फ। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है दोस्तों, यहाँ पे वाइट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे रह गया दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों, और मेरा तो ओके दोस्तों, आपका लगे जहाँ जहाँ रहेगा दोस्तों वहाँ पे यूज करना है। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आ जाना स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो देख सकते हैं गाइस, आ चुके अपना स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो इतना देख तो देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे अब जो सेटिंग यूज करते हैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों। और आप लोग बड़े से सेटिंग मिलाते हैं दोस्तों, और फिर बोलते हैं कि भाई तुम झूठ बोलता हो ऐसे वैसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्रश वाला क्लिक करना है दोस्तों, और ब्रश को देख सकते हैं दोस्तों, ए वाला जो इसको सेलेक्ट करना है दोस्तों। और यहाँ पे सेटिंग दिखा दे दोस्तों, हेरा फॉलो है दोस्तों, जो फॉलो के देख सकते हैं इतना पे 4 पे रखना, स्ट्रेच को इतना ही रखना 4 पे। और जो साइज को है दोस्तों अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना पे आप चला सकते हैं। तो मैं 20 रखा हूँ दोस्तों, और इसको एकदम हल्के हल्के यूज करना है दोस्तों आराम से। अगर नहीं होगा दोस्तों तो बस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, एकदम पूरा अच्छा से लगे, ठीक से स्मूथ हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो जाके डिस्क्रिप्शन में डालोगा दोस्तों, तो जाके ज्वाइन हो जाना दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड और जो प्रीसेट वगैरह होता है सब वहाँ पे डालते रहते हैं दोस्तों, एकदम पूरा आराम से करना है दोस्तों, बहुत तो बहुत ही अच्छा से होगा। और यहाँ के देख सकते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ रहेगा दोस्तों एकदम जैसा रहेगा दोस्तों वैसा ही ब्रश चलाना, देख सकते हैं इस प्रकार का चलाना है।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर तुम चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और एक बात और, सॉरी दोस्तों, मतलब कि बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए सॉरी बोल रहे हैं दोस्तों। एकदम हल्का हल्का ब्रश चलाना दोस्तों, बहुत ही एकदम हार्ड एकदम स्मूथ होगा दोस्तों और फुल एच डी होगा दोस्तों। और जो नाक के पास रहेगा दोस्तों वहाँ पे ब्रश को छोटा करके ही चलाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही होता है सर्कल, तो यहाँ पर जैसा सर्कल रहेगा दोस्तों वैसा ही ब्रश चलाना, देख सकते हैं। और यहाँ आइस के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ भी ब्रश को छोटा करके चलाना दोस्तों, वो यहाँ ज़रूर चलाना दोस्तों क्योंकि अच्छा लगेगा दोस्तों यहाँ पे। देख सकते हैं गाइस एकदम बहुत ही एकदम एच डी स्मूथ हुआ है, तो यहाँ पे कान के पास भी ब्रश छोटा करके चलाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी छोटा सा राउंड होता है, ताकि आपको जितना बार ब्रश चलेगा दोस्तों उतना बार चलाना, बस सेटिंग को ये रखना और मतलब जो जो सेटिंग किए दोस्तों उसको फॉलो करके करना, तो बहुत ही अच्छा से होगा दोस्तों। और इसी तरह का मतलब कि फेस दूर करना आप भी सीख जाइएगा। और दोस्तों अगला वीडियो बता दीजिएगा दोस्तों किस प्रकार का आप लोग का वीडियो चाहिए दोस्तों, तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आ चुकाऊँगा। या बैकग्राउंड चाहिए, प्रेसेट चाहिए, कुछ भी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर करना दोस्तों, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करना दोस्तों, वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो इतना करने में देख सकते हैं दोस्तों तुम पूरा HD हो चुका है दोस्तों। और यहाँ से जो लिप्स को कलर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से सेटिंग मतलब कि यहाँ पे कलर के बगल में देख सकते हैं बोला, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पे टैप करना, टैप करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो ब्लेंडिंग रहेगा दोस्तों नॉर्मल को सॉफ्ट लाइट करना है, सॉफ्ट लाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कलर पे आके देख सकते हैं, और जो भी कलर रखना है दोस्तों वहाँ पे रख सकते हैं, तो ये वाला रखते हैं दोस्तों। और ब्रश को दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैक चलना है, बैक चलने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो ये वाला ब्रश रहा दोस्तों, ये नहीं तो ये यूज करना दोस्तों, तो ये फिलहाल ये कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं, ऑपेसिटी को फुल रखना, साइज को मतलब कि जितना चलेगा उतना ही रखना है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एकदम आराम से करना है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अपना फोटो एडिटिंग कर रहे हो भाई, तो टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों, और टाइम दोगे तो वही अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा तो देखने भी वैसे सब मतलब कि बोले कि वाह भाई क्या एडिटिंग किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना हो चुका है दोस्तों, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलना है, यहाँ पे कोने वाला हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फोटो की और फोटो को यहाँ पे सेव करना है दोस्तों, सेव करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं अपना लाइटिंग एप्लीकेशन में, सही करते हैं दोस्तों, वहाँ पे कलर मिक्स करेंगे दोस्तों, उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों क्या होता है। तो देख सकते हैं गाइस आ चुके हैं अपना लाइटिंग एप्लीकेशन में, तो यहाँ से देख सकते हैं फ़ोटो को ले लेते हैं, और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर पे चलना है, कलर पे जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स वाला एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जाके और जो सेकंड वाला जो कलर का है उसको यहाँ पर जाना है दोस्तों, और यू है दोस्तों इसको माइनस करना है, और सेचुरेशन को भी माइनस करना है दोस्तों, और ल्यूमिनस को हाई करना है, इसको भी थोड़ा सा और माइनस कर देना है, और ये के तो इतना माइनस रखना है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू में जाना दोस्तों, इसको एकदम पूरा माइनस करना दोस्तों, सब माइनस करिए, इतना माइनस करना दोस्तों, और यहाँ पे जाकर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट में टेक्सचर को थोड़ा सा हाई करना है, और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा हाई करना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डिटेल में जाना दोस्तों, और शार्पनिंग को इतना करना है, और देख सकते हैं नॉइस रिडक्शन को इतना करना है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको जितना भी सब इसको फुल करना है,
फुल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, उसके बाद लाइट में आना दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद ब्लैक को माइनस माइनस करना है दोस्तों, और वाइट को थोड़ा सा हाई कर देना। हाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेडो आएगा, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है दोस्तों इतना पे, और हाई लाइट को थोड़ा सा माइनस करना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है दोस्तों। तो देख सकते हैं गाइस, पहले से पहले देख सकते हैं आफ्टर बिफोर का। तो दोस्तों यहाँ से आप फोटो को सेव कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से सेव कर जाते हैं और सेव टू डिवाइस करते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ज़रूर मतलब कि कमेंट करके बताना दोस्तों कि किस प्रकार का वीडियो चाहिए।